भाई 90 आप बहुत ही आसानी से टच कर लेती है इस प्राइस सेगमेंट में। यदि क्रूज कंट्रोल मिलता है तब यार वाव, टॉप स्पीड देखना है। अब मैं इसमें आपको टॉप स्पीड दिखाने वाला हूँ, क्रूज कंट्रोल भी दिखाऊंगा, क्रूज कंट्रोल कैसे वर्क करता है, क्रूज कंट्रोल के लिए क्या करना पड़ता है। इको में क्रूज कंट्रोल नहीं यूज होगा, आपको नॉर्मल और स्पोर्ट मोड में क्रूज कंट्रोल का काम आएगा। रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम तो अभी काम ही नहीं कर रही। रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम बेसिकली क्या है कि बैटरी को थोड़ा बहुत पावर देने का काम करती है। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको इसमें, इस रोड में आपको नॉर्मल मोड मैंने सेलेक्ट करा है, नॉर्मल मोड में आपको टॉप स्पीड कितनी मिलती है चलिए देखते हैं। 1 2 3 शिंग, सत्तर की स्पीड आप देख सकते हो। अब इससे आगे नहीं जा रही, बस ब्रेकिंग के मामले में तो बढ़िया है भाई, ब्रेकिंग ब्रेकिंग के मामले में एक नंबर की, ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है। यू टर्न लूंगा, यू टर्न के बाद आपको टॉप स्पीड में दिखाने वाला हूँ स्पोर्ट मोड में क्या कितना टॉप स्पीड मिलता है। तो चलिए यू टर्न लेते हैं, फिर अपन इसमें टॉप स्पीड देखते हैं स्पोर्ट मोड में। ये एक राइडिंग एक्सपीरियंस है भाई, नॉर्मल मोड में किसी तरह का बहक नहीं रहा है स्कूटर, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए अब मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, स्पोर्ट मोड सेलेक्ट करता हूँ, स्पोर्ट मोड में अभी कोई पावर नहीं, अब हम पावर देखते हैं इस स्पोर्ट मोड में। भाई ये भाई उड़ा देता है पीछे की ओर, अब देखिए पावर। भाई 90 आप बहुत ही आसानी से टच कर लेती है, बहुत ही आसानी से आप देखेंगे टॉप स्पीड 90 गई। भाई मेरे को तो डर लगती है इतनी स्पीड में, क्योंकि मैंने पहले ऐसा कुछ चलाया नहीं है। अब यू टर्न फिर से लेते हैं, देन इसके बाद आपको क्रूज कंट्रोल दिखाता हूँ, क्रूज कंट्रोल कैसे वर्क करता है, ठीक। क्योंकि मैंने अभी इस तरह की स्पीड में दोस्तों मैं कभी ऐसा किया भी नहीं, तो ये थोड़ा सा निकल जाए भाई, फिर अपन करते हैं। देख सकते हैं 88% बैटरी बची, 77 का रेंज बताया स्पोर्ट मोड पे, और 95 किलोमीटर ये आपको 9.5 किलोमीटर ये स्कूटर अपनी चल गई। अब मैं क्रूज कंट्रोल दिखाने वाला हूँ, क्रूज कंट्रोल किस टाइप से वर्क करता है। नॉर्मल मोड अभी है, एक स्पीड में अपन सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अपन ये क्रूज कंट्रोल वाली जो स्विच है उसको प्रेस कर लेते हैं। पहले मैं ये कर लेता हूँ ये, अब अपन क्रूज कंट्रोल देख सकते हैं किसी तरह का मैंने यहाँ पास नहीं किया है, ये क्रूज कंट्रोल का काम है। देख सकते हैं 45 की स्पीड में ये चल रही है, मतलब क्रूज कंट्रोल लॉक है पूरी तरह से। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं अपने स्कूटर में, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भाई, स्टेबल के मामले में तो बहुत ही ईजिली है। हाँ यदि ये ठंड के दिनों में आप जा रहे हो तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। ये क्रूज कंट्रोल बहुत ही बेस्ट मेरे को ये फंक्शन लगा आपको इस प्राइस सेगमेंट में। यदि क्रूज कंट्रोल मिलता है तब यार वाव, क्या ही कहने। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं, 45-44 की स्पीड में लॉक है, और करीबन 88 किलोमीटर का रेंज मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं एक्स प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर में दोस्तों। तो अपन ये सारी चीज़ें हैं, ये एक मेरा शॉर्ट में राइड एक्सपीरियंस था। यदि आपको बेहतरीन लग रहा हो तो वो सारी चीज़ें, और रिमूव कैसे करना है, रिमूव के लिए ब्रेक का प्रेस करेंगे आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं,
यदि आप इस पे जाते हैं तब आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रेंज ऑफर करती है, यानी कि मैं ज़्यादातर मैं क्रूज कंट्रोल पे ही वर्क करता हूँ, चलाता हूँ, वर्क क्या करता हूँ। एक बार फिर से मैं क्रूज कंट्रोल सेलेक्ट करता हूँ, क्रूज कंट्रोल पे अपन वर्क देखते हैं। क्रूज कंट्रोल क्या है, फिर करें 45 की स्पीड में लॉक, 50 क्रूज कंट्रोल, मैंने थ्रॉटल छोड़ा, यहाँ पास देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल यहाँ पास काफ़ी बेहतरीन वर्क कर रहा है। क्रूज कंट्रोल में भाई जो रेंज है वो ज़्यादा निकल कर आती है, तो स्टेबल भी काफ़ी बेहतरीन स्कूटर है। ये देख सकते हैं मेरा दोनों ही हाथ छुटे हुए हैं, क्रूज कंट्रोल बेहतरीन काम कर रहा है। जैसे मैं बार बार बेहतरीन बोल रहा हूँ, इसलिए भाई नज़र ज़रूर ना लगे कि ओला में तो सर्विस से लेकर दिक्कत है ही, कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो फिर से वही दिक्कत है। तो सर्विस वगैरह भी आने वाले दिनों में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, बट क्रूज कंट्रोल भाई मेरा दिल छू लिया ये क्रूज कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो अपन यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और बताएं आपको कौन सी वीडियो और चाहिए। ठीक है, क्रूज कंट्रोल में आपको लॉन्ग वीडियो कितनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हैं। यदि रोड सही है तो क्रूज कंट्रोल कहीं भी बेहतरीन नहीं हट करने का। ये रिमूव करने के लिए आप ब्रेक प्रेस कर सकते हैं या थ्रॉटल थोड़ा सा ज़्यादा लेकर आप अब अपन चलते हैं भाई। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद। वीडियो काफ़ी बेहतरीन, थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो चुका है, आई होप आप लोग को वीडियो बेहतरीन लगी हो। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।